और जायका चेक करके आपको बताते हैं कि आपको वाकई यहाँ का टेस्ट करना चाहिए या नहीं। भाई जिसका था इंतजार आ गया है वो शाकार। ये शाकार है अल्लाह राजी का बीफ पुलाव। तो यार कहा ये जा रहा है कि इनका जो ये जो गोश्त है ना बड़ा टेंडर है, बड़ा जबरदस्त है। ये अल्लाह राजी बिरयानी जो है जिसने नहीं खाई ना उसने अभी फिलहाल जो है कराची में कोई बिरयानी नहीं खाई। तो बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, अब इसका बाइट लेते हैं। जायका है यखनी पुलाव जिसे कहते हैं ना। तो 2013 से की थी मैंने, तो 2013 से लेकर 2016 में मैंने कारीगरी सीखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज कराची के उस कोने पे मौजूद हूँ जिसको कहते हैं कोरंगी। कोरंगी पे अल्लाह राजी बिरयानी का मेन ब्रांच है और यहीं से इनकी शाखें निकलती, यानी कराची में तीन शाखें हैं। मुझे दो शाखों का पता है, तो दूसरी शाख जो है इनकी लियाकताबाद में और पहली जो मेन ब्रांच है अल्लाह राजी बिरयानी नल्ली बिरयानी के नाम से मशहूर है। तो भाई यहाँ पे आए हैं हम लोग और दानिश भाई के बुलाने पे आए हैं। दानिश भाई ने दावत दी है। दानिश भाई सामने से ही आ रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आ गए? दानिश भाई ने हमें मधु किया भाई अल्लाह राजी बिरयानी पे चलेंगे। तो दानिश भाई अल्लाह राजी बिरयानी आपने तो ट्राई की है, मैंने तो नहीं की, तो आप क्या कहते हैं अल्लाह राजी बिरयानी? भाई अल्लाह राजी बिरयानी जो है जिसने नहीं खाई ना उसने अभी फिलहाल जो है कराची में कोई बिरयानी नहीं खाई। दावा कर रहे हैं, बड़ी मजेदार बिरयानी है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की अच्छी नहीं है, दूसरों की भी अच्छी है, मगर यहाँ पे आए कोरंगी में आए जो कोरंगी में खा सकता है। और इनकी मुख्तलिफ जगहों पे और भी एक तीन दो शाखें और भी हैं, वहाँ जाएँ जो जिसको वहाँ करीब पड़ती हैं तो सब जानते हैं कहाँ पे। अच्छा पुलाव है, बिरयानी है, चना पुलाव है, पुलाव है, नली पुलाव है, नली पुलाव है। अच्छा भाई बीफ पुलाव भी ले सकते हैं? बीफ पुलाव भी है, बीफ ही पुलाव है और नली पुलाव है, और खाली बीफ पुलाव भी है, चना पुलाव भी है। अच्छा, और बहुत मजेदार है। अच्छा भाई, तो दानिश भाई का जो स्टाइल है ना बहुत मजेदार है भाई, ये काफी फेमस है, इनके अपने ब्लॉग्स हैं। तो दानिश विजन भी देखिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अभी टेस्ट करके दिखाते हैं इनका पुलाव चना पुलाव कैसा है, आपको रिकमेंड करते हैं। जो भी खरीद पड़ेगा आप वहाँ चले जाइएगा। अगर कोरंगी वाले देख रहे हैं तो कोरंगी में आ जाइएगा, और अगर कोरंगी वाले नहीं देख रहे, लियाकताबाद वाले देख रहे हैं, तो भाई आपके इलाके में भी खुला हुआ है मेन डाकखाने पे। चलिए हम इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं और जायका चेक करके आपको बताते हैं कि आपको वाकई यहाँ का टेस्ट करना चाहिए या नहीं, कितनी मुनासिब है क्या नहीं है, आपको सब बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाई जिसका था इंतजार आ गया है वो शाकार। ये शाकार है अल्लाह राजी का बीफ पुलाव, और हमने शुरू में कहा था बीफ बिरयानी भी है। तो यार कहा ये जा रहा है कि इनका जो ये जो गोश्त है ना बड़ा टेंडर है, बड़ा ज़बरदस्त है, और जायका कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गली भी है और बोटी बोटी में अंग अंग में इसका जायका है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये ब्लॉग बना रहा है तो बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, अब इसका बाइट लेते हैं। यार मैंने नाम सुना था, पहली बार आया हूँ अल्लाह राजी बिरयानी में, और इसका जो पुलाव है मैंने तो भाई रिकमेंड किया आपको, पास कर दिया। जायका है यखनी पुलाव जिसे कहते हैं ना, इसमें मिर्ची भी है माशाल्लाह से, और जायका बहुत अच्छा है भाई। फुली रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर इनकी जो है ना ये पुलाव की डिश जो है आप ट्राई कीजिएगा। और ये आप देखें दिल खोलकर इन्होंने गोश्त दिया हुआ है इसमें, और जायका भी बहुत अच्छा है। मैंने पंखा बंद करवाया ताकि ठंडी ना हो, गरम गरम है। अब ये है चना पुलाव। चना पुलाव भी वही इंग्रेडिएंट से ही बनता है, लेकिन ज़रा चेक कर लें, ये आलू से लेना पड़ता है मेरे ख्याल से, और ये ठंडा हो गया भाई पंखे की वजह से।
ये देखें भाई चना पुलाव, इसमें चने भी हैं, चने बेचारे को दिखाना पड़ेगा यार। चना पुलाव का भी भाई वैसे ही जायका आ रहा है जैसा कि बीफ का है, लाजमी सी बात है जब बीफ होता है तो बीफ के यखनी का जायका होता है। तो माशाल्लाह भाई मुझे बहुत पसंद आई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई। अल्लाह राजी, बिरयानी का जो बनाने का सिलसिला है वो इस किचन में है और बहुत सफाई से बनाते हैं। पहले ऑयल डाला जाता है और ये एक बात है कि जो एक ही जायका देने वाली शख्सियत है कौन सी जो कि ये सबको बना रही है, तो मुझे तो वन एंड ओनली एक ही शख्स नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह से आप जो है इस अल्लाह राजी बिरयानी को जायका देने में बड़ा मावनत कर रहे हैं, जायका आप दे रहे हैं इसको, तो माशाल्लाह से कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मुझे 11 साल हो गए, 6 साल में मैंने काम सीखा, 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ही आप अल्लाह राजी पे ही फिक्स हो गए जी? अभी तो 1 साल हुआ है यहाँ। 1 साल हुआ है, अच्छा। तो माशाल्लाह से यार हमने खाई अभी आपकी बिरयानी, बहुत अच्छा जायका है। तो अभी मेकिंग आप हमें दिखा रहे हैं क्या क्या डलता है इसको, इंशाल्लाह दिखाते हैं। इंशाल्लाह अभी भाई ऑयल डल गया है और 11 साल तजर्बा है इनका माशाल्लाह से, और 1 साल से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और अभी हरा मसाला डल गया भाई। तो आप बताते रहिए क्या क्या इसमें है। इसमें सर ऑयल डला है, हरी मिर्च है, टमाटर है, हरा मसाला है। अच्छा, हरा मसाला भाई, टमाटर है, हरी मिर्च है और धनिया और मसाला, ये क्या है? और अभी इस वक्त क्या डाला है? ये मसाला है हमारा, मसाला है भाई इनका, अपना जो कहते हैं ना वो खुफिया मसाला है। जी जी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, ये दही डल गया है, दही तो कॉमन सी चीज़ है, और इनका जो इंग्रेडिएंट है वो मसाला यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, और ये अभी तैयार हो रही है भाई बीफ यखनी पुलाव, और ये गालिबन आलू बुखारा। जी आलू बुखारा, ये आलू बुखारा भाई, ये इसके अंदर जायका को दुबाला कर देता है आलू बुखारा। और अभी ये एसेंस डालने मेरे ख्याल, ये एसेंस आ गया भाई। कब आ रहा है भाई इनका बीफ? ये बीफ इन्होंने डाला है, और ये जो बीफ है काफ़ी रवाजदार होता है, मैंने खाया है बीफ माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये हम मेकिंग दिखा रहे हैं बनते हुए, अभी ये चूल्हा जलाने लगे हैं और सफाई से बना रहे हैं माशाल्लाह से भाई। तो रात तो बनती है इनकी तरफ से, और माशाल्लाह से आप ये मेकिंग होना शुरू होगा। अभी इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। ये भाई आग गल गई है, ये बनना स्टार्ट हो गया अब, ये क्योंकि पहले से ही बीफ तैयार है, इसको थोड़ा सा कफगीर वगैरह चलाकर इसको बनाया था। अब जो हम खाने वाले हैं जो बीफ पुलाव है वो ये है भाई, ये इंग्रेडिएंट से बनता है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसकी कसाई होगी, ये इसके राइस कितनी देर के बाद डालेंगे? ये 15 मिनट में डाल देंगे। अभी 15 मिनट के बाद इसमें राइस डालेंगे और फिर पुलाव जो है दम पे रखा जाएगा। दम पे रखा जाता है? जी बिल्कुल भाई, दम पे रखा जाता है और फिर पुलाव तैयार होता है। ये आप क्राउड देख रहे हैं सामने, ये अल्लाह राजी का क्राउड है, ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे गाय बगाए लोग जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं। कितने बजे तक ये चल रहा होता है? 3:30 बजे तक भाई, रात के 3:30 बजे तक ये चल रहा होता है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60-70 तो आराम से ये पतीले उतर जाते होंगे। ज़्यादा हो जाते हैं? ज़्यादा ही हो जाते हैं भाई, 60-70 जो है पतीले रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे। एक में 10 किलो होता है? 8x8 का। अच्छा भाई, 8 किलो होता है एक में, 8 किलो होता है एक में। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये खोलना शुरू हो रहा है, जो है ना पानी डाला जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इसमें डायरेक्ट जो है चावल डाले जाएंगे और फिर वही दम इसी में ही हो जाएगा और वो तैयार हो जाएगा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कहाँ कहाँ स्टार्ट, किस उम्र से किया आपने, कितनी उम्र से ये काम कर रहे थे और किन किन जगहों पे किया? सर स्टार्टिंग तो 2013 से की थी मैंने, तो 2013 से लेकर 2016 में मैंने कारीगरी सीखी थी, 6 साल मैंने ना मैंने हेल्परी की है, उसके बाद फिर मैंने कारीगरी की है। और दूसरी बात ये, जहाँ पे मैंने काम किया वो सेठ हाशिम के पास काम किया, अल हबीब पे 5.5 नंबर पे, वहाँ पे काम सीखा भी है, वहाँ पे काम किया गया, वहाँ से छोड़ा था। तो फिर नाजमाबाद में न्यू नसीब वाले हैं उस्ताद वाजिद साहब, उनके पास मैंने काम किया, वो भी मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद फिर मैंने छोड़ा, वहाँ से उस्ताद ने छुट्टी दी, और दूसरी जगह दिल्ली कॉलोनी में हाजी अकबर साहब हैं, अकबर होटल वाले, उनके पास मैंने काम किया। उसके बाद फिर यहाँ साहब तारिक भाई के पास। तो यहाँ पे काम करना अच्छा लग रहा? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा भाई, यहाँ पे इनको काम करना अच्छा लग रहा है और काफी जगहों पे इन्होंने एक्सपीरियंस लेने के बाद, सबसे इनिशियल स्टेज होता है इंसान पहले ये सीखने के लिए किसी के पास खिदमत अंजाम देता है, उसके बाद उस्ताद उसको देखते हैं कहाँ दिलचस्पी रखता है, कोई भी उस्ताद हो किसी भी फील्ड में वो दिलचस्पी देखता है तो फिर उसके बाद उसको कारीगरी सिखाता है, ऐसा ही है ना? बाकी उस्तादों का मेरे ऊपर एहसान है, बड़ा एहसान है उस्तादों का मेरे ऊपर भाई, बहुत बड़ी बात है। मुझे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं इस काबिल भी नहीं था, यहाँ पे काम करने के काबिल नहीं था। देखें भाई, ये शुक्र गुजारी है अल्लाह ताला की कि जो उस्ताद की कदर करता है। देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सीख कर किसी को उस्ताद ही नहीं समझते, लेकिन इस शख्स को देखें आप कि इसने अपने उस्ताद की सबसे पहले जो है तारीफ की और नाम लिया कि भाई उस्तादों ने मुझे सिखाया है, इस काबिल मैं नहीं था। तो ये भाई बहुत हुनर के काम होते हैं और जो सीख जाता है अल्लाह ताला जायका भी देता है और ईमानदारी से काम करते हैं। तो भाई आप चावल डालेंगे इसमें, चावल कौन से इस्तेमाल करते हैं? ये सेला चावल 1121। अच्छा भाई, सेला 1121 कोई नंबर है इसका? भाई इसका भी कोई नंबर प्लेट है? 1180 ऐसा ही है ना? 1121। अच्छा भाई, ये अब जो है इसमें जा रहा है दम होने के लिए, अब ये थोड़ा सा पकेगा, उसके ऊपर ये आप इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे? नहीं, ऐसे ही पकेगा ये। अच्छा भाई, ढक्कन नहीं रखेंगे, ऐसे ही पकेगा। और भाई ये इतना ही रहेगा, मतलब आप पानी और नहीं डालेंगे? नहीं, पानी डालना है, डालोगे? जितना डालना था डल गया भाई। अब जो है ये पकेगा इसमें और ये फिर तैयार हो जाएगा, आपको दिखाते हैं जब ये पक जाएगा उसके बाद तैयारी। अच्छा भाई, इस वक्त जो ये खोलना शुरू हो गया है, ये कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में ये तैयार हुआ चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में 15 मिनट लगते हैं ना अली भाई? आधा घंटा लगता है भाई, आधा घंटा दम होता है सर। अच्छा, 15 मिनट का ये दम होता है और आधा घंटा 15 मिनट पकने में होता है, यानी आधा घंटा लगता है, 30 मिनट लगते हैं। अब ये खोलना शुरू हो गया है तो ये कितनी देर बाद ये दम पे रख जाएंगे? 10 मिनट बाद। 10 मिनट के बाद भाई, 10 मिनट के बाद ये दम पे आएगा इंशाल्लाह, फिर वो भी प्रोसेस दिखाते हैं। हाँ, फिर सवाल है, मैंने जब काम सीखा था ना, बड़ी मुसीबतें झेली है मैंने, बड़ी मुसीबतें। अच्छा भाई, ये अभी इसके अंदर कपगीर चला रहे हैं और अभी 2-3 मिनट हैं, दम पे दे रख देंगे ये, और फिर ये भाप में जब ये अंदर से खुद पक रहा होगा, इसकी यखनी जो है ना पूरी अंदर जो है इसके जज्ब हो जाएगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और फिर ये यखनी लाओ रह जाएगा। अच्छा भाई, हो गया है तैयार ये, इन्होंने अरे एक अभी ढकना उठाया, मज़ीद एक ढकना नीचे। तो भाई ये है यमी यमी सा यखनी पुलाओ, माशाल्लाह वाओ, ज़बरदस्त भाप के साथ। देखें हमारे कैमरे के ऊपर भी भाप आ गई, ये है भाई वो जूसी सा यखनी सा पुलाओ, और ये है वो उस्ताद जिसने तैयार किया है। अब गार्निशिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है इसके ये डाला जाएगा कलर। ये भाई इसकी खूबसूरती है इस पुलाओ की, माशाल्लाह भाई बहुत उम्दा तैयार किया है। आपका क्या नाम है? असदुल्ला भाई। असदुल्ला है यहाँ पे, रात में होते हैं, दिन में कोई और होते हैं, रात के 3:30 बजे तक जब भी ये पुलाओ आप खा रहे हो, असद भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।